अपनी नौइयत का एक पहला प्रोग्राम शुरू किया है जो कि जिसको हम खुली कचहरी का नाम दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि MNAs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इवन कमिश्नर साहिबान, इवन SSP साहब भी अपने हलके में जाते हैं, अपने लोगों के पास जाते हैं और वहां जाकर वो सबको बुलाकर एक खुली कचहरी करते हैं और लोगों के मसलों को हल करते हैं। तो हमारी कोशिश भी यही है कि हम मिलजुल कर एक ऐसी पावर क्रिएट करें कि जो जो जिस शोबे में जिसकी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, वी डोंट इन फाइनेंशियल सपोर्ट, वी डोंट बिलीव इन दैट। अदर देन दैट, आई डू बिलीव इन इट कि हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अगर किसी का कोई जायज काम है वो काम करा दें। इस पर ओवर टू यू बहन मुनव्वराबा जी, आपको ओवर टू यू। अतीक भाई, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को हम मुबारकबाद देंगे कि बींग सेनेटर आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जो हमारे पिछले अदवार में सेनेटर्स और MNAs रहे वो कभी इस तरह की चीज़ों को फोकस ही नहीं किए, तो आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसकी बदौलत मैं समझती हूँ कि हम जैसे बलूचिस्तान में बैठे हैं तो हम अपने नौजवानों को स्पेशली ये अवेयर करने के लिए हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद, मतलब हमें हेल्प करते हैं कि हम उनको ये समझाएं, उनको बताएं कि हमें क्या, मतलब अगर हम आज ये कोविड की वजह से घरों में बैठे हैं, तमाम सर चीज़ें हमारी रसाई से दूर हो, उसके बावजूद आज जो सिस्टम, जिस सिस्टम में हम बैठे, जो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं या हम ऑनलाइन जो पर करें, आपने जिस तरह ये खुली कचहरी का एक सिलसिला स्टार्ट किया, इससे आप देखिए कि इस खुली कचहरी से हमारे MNA, सेनेटर, इवन कि वो जो ग्रास रूट लेवल के हमारे वो वर्कर्स हैं उनमें भी अवेयरनेस आ गए। वो खुली कचहरी की जगह स्पेशली जहाँ जहाँ ये नेट अवेलेबल होते हैं वो अपने लोगों के मसाइल सुनते हैं, फिर उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह अगर हम मिलजुल के हम अपने काम कहीं किसी चीज़ की वजह से रोकेंगे नहीं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेंगे। स्पेशली आप और आपकी टीम का एफर्ट करते हैं, मेहनत करके सबको इस तरह मैदान में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेंगे और जो हमारे ज़मीनी अकायद है उसको मद्देनजर रखते हम फैसला नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो इस तरह की इनिशिएटिव हम आपको देख के पूरे पाकिस्तान के उन नौजवानों को, उन यंगर्स को लेना चाहिए जो कि इस कोविड की वजह से उनकी एजुकेशन, स्पेशली उनकी एजुकेशन मुतासर हुए। तो मैं आपके इस खुली कचहरी की तवासत से ये गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करूंगी कि ये जो हमारे बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में 3G 4G ये नहीं है, इनको भी अगर हमारे लोगों के लिए एक्टिव करें ताकि उनको भी इस फास्ट दुनिया में रसाई हो और वो भी देखें कि दुनिया इस कोविड की हालत में इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर रहे हैं थ्रू डिजिटल। तो हम समझते हैं हम भी उस दुनिया से ज़्यादा कम्पीट कर सकेंगे। आज क्योंकि मैं बलूचिस्तान बैठी हूँ तो मैं अपना कैमरा इसलिए ओपन नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं ओपन करूँगी तो मुझे उस मिकदार में नेट नहीं मिलेंगे जिस मिकदार में मुझे चाहिए होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम भी आपके इस जो जज्बा है आपका आम लोगों के काम करने का, मैंने बहुत देखा है आपको पार्लियामेंट में भी जिस तरह आप आवाज़ बनती हैं, और आपने ख़ास तौर पर आज जैसे हमारे इस प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाई और यहाँ आकर आपने एक बार फिर ये अयादा किया है कि असल में हम सब का मकसद ये है कि अल्लाह ने अगर हमें कोई रुतबा, कोई मुकाम दिया है तो हम उस पर ज़रूर लोगों के काम आए। तो थैंक यू वेरी मच बहन।